Welcome developers, I am Omar Sanawar and in this lecture I will discuss what is scope resolution operator in object-oriented programming. And in previous lectures we have used many times and but we don't know about what is that. And in this lecture I will discuss what is this, how can we use in PHP. And let's start this lecture. सो हमने पहले जो है वो जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है वो कहाँ पे यूज़ किया था, जब हम लोग कांस्टेंट हम लोग कोई भी वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर रहे थे, या फिर हमने कोई भी स्टैटिक डिक्लेयर किया था, स्टैटिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की थी, स्टैटिक मेथड्स अब डिक्लेयर किए थे, तब हमने यहाँ पे स्कोप जब उसको एक्सेस करना था विद इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास, देन हमने यहाँ पे यूज़ किया था. तो स्कोप रेजोल्यूशन एक्चुअली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कॉन्स्टेंट जब हम कॉन्स्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, या फिर कोई स्टैटिक कोई चीज़ स्टैटिक क्रिएट करते हैं, या फिर हम जब भी कोई प्रॉपर्टीज़ या मेथड जो हैं क्लास के उसको ओवरराइड करते हैं, तब हम लोग जो हैं वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. तो वो ऑलरेडी हमने पहले भी यूज़ करके देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं. क्लास हम लेट्स से क्लास ए क्रिएट करते हैं एंड इसमें हम जो हैं वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ डिक्लेयर कर देता है. कॉन्स्टेंट वैल्यूज जो है वो सबसे पहले, अब कॉन्स्टेंट यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स है वही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा. लाइक यहाँ पे डॉलर साइन नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ. अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यूज़, अब यहाँ पे अगर लेट्स से मैं आउटसाइड द फील्ड में अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ विद क्लास, देन वी कैन एक्सेस विद द नेम ऑफ क्लास. सो नेम ऑफ क्लास क्या है, हमारी ए है एंड इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी बोलते हैं एंड इसका इसको हम डबल कॉलन भी कहते हैं. तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ एक्सेस कर लेता हूँ. अब ये वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस हो चुकी हैं. अब इसको अगर मैं इको करवा के चेक करूँ तो यहाँ पे मेरी वर्किंग जो है वो सेम हो गई. यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ लोकल होस्ट ऊब एंड स्कोप रेजोल्यूशन. अब ये देखें, ये वैल्यूज़ जो है वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ जो है वो हमने एक्सेस कर ली. अब ये वहाँ पे यूज़ होता है जब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमने अगर क्लास के जो वेरिएबल्स प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके जो मेथड्स हैं उसको एक्सेस करना हो किसी भी जगह विद इन क्लास या आउटसाइड द क्लास, देन हमने वहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करना है. अगर विद इन क्लास करना हो तो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि देन हमने सेल्फ के साथ जो है उसको एक्सेस करना है. लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, फंक्शन सॉरी मेथड डिफाइन करता हूँ, मैसेज का डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इको करवा लेता हूँ दिस इज़ स्टैटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक बनाना है, इसको कॉन्स्टेंट नहीं बनाना. दिस इज़ फंक्शन स्टैटिक फंक्शन एंड इसको मैं अब स्टैटिक बनाने लगूँ. ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं, लेकिन हम अच्छी अप्रोच यही है कि इसको पब्लिक बना लें ताकि ये ज़्यादा क्लियर है. और इसको प्राइवेट नहीं बना सकते, और प्राइवेट बना भी सकते हैं विद इन क्लास. यहाँ पे मैंने इसको यूज़ कर लिया. अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, अब भी मैं फ़िलहाल आउटसाइड द क्लास इसको जो है एक्सेस करता हूँ. मैसेज और फंक्शन है क्योंकि, तो यहाँ पे इसका ये तो ये आउटसाइड द क्लास हो गया. अगर यहाँ पे मैं विद इन क्लास करता हूँ, लाइक है अगर मैं विद इन क्लास कैसे कि अगर मैं किसी और फंक्शन में इसको कॉल करता हूँ या मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, तो कंस्ट्रक्टर पहले बना लेते हैं फंक्शन एंड डबल अंडरस्कोर के साथ कंस्ट्रक्टर हमारे पास डिफाइन होगा. और यहाँ पे सिंपल उस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, तो फंक्शन कॉल करने, अब यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन है, तो स्टैटिक फंक्शन विद इन क्लास करना हो तो देन हमने सेल्फ एंड उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड उसके बाद जो है जो उन सब फंक्शन कॉल करना है वो फंक्शन कॉल. अब ये फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका है. अगर सिंपल मैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता हूँ देन कंस्ट्रक्टर जो है वो डेफिनेटली कॉल होगा. अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ विद नो ऑपरेटर, सॉरी ये मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर मैं जाके चेक करता हूँ, दिस इज़ स्टैटिक फंक्शन एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉल्ड बाय कंस्ट्रक्टर. तो ये है, तो ये हमारे पास हो गया. अगर मेरे पास वेरिएबल्स हैं तो देन हम वैसे ही इसको जो है वो सेम वैसे ही हम लोग जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं सिंपल अभी हमें जो है वो वैल्यूज़ जो है वो शो करवाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ भी नहीं शो करवाएगा नथिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको
इको नहीं करवाया तो यहाँ पे मैं इको करवा ले, तो अब यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। तो ये मेरे पास जो है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है। अब यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी है कि अगर लेट्स है कि मेरे पास एक और क्लास है, क्लास बी, तो यहाँ पे मैंने क्लास बी डिफाइन कर ली। अब इसके अंदर जो है वो मैं इस फंक्शन को जो जो क्लास है उसका फंक्शन मैंने कॉल करना है। देन हम किस तरह कॉल कर सकते हैं, तो सिंपल जो है वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पहले डिफाइन कर लेता हूँ। फंक्शन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट, अब यहाँ पे मैं सिंपल जो है अब उस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। अब यहाँ पे इसको मैं अभी रहने देता हूँ, इसको कमेंट में कर देता हूँ। अब मैं क्लास बी के थ्रू जो है वो मैं इसको जो है वो कॉल करूँगा। तो सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे पेरेंट पेरेंट के साथ जो है वो सॉरी वैसे ही जिस तरह हम लोग बाहर कर रहे थे, तो वैसे ही इसके अंदर भी वैसे ही हमने करना कि किस तरह हम लोग बाहर कर रहे थे क्लास जो क्लास नेम है विद स्कोप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड जो जो फंक्शन कॉल करना है वो जो है वो कॉल कर लेते हैं। अब ये मैंने कॉल कर, अब यहाँ पे मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। यस, यहाँ पे अभी मैंने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब ये मुझे दिस इज स्टैटिक फंक्शन कॉल्ड बाय कंस्ट्रक्टर, ये जो फंक्शन था इसका वो हमें कॉल हो चुका है। तो अब इसका मकसद ये क्या है कि जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या कॉन्स्टेंट हम वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं या स्टैटिक वैल्यूज जो बनाते हैं, तब हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इसलिए यूज़ करते हैं। अगर लाइक है, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से इसको मैं इनहेरिट कर देता हूँ एक्सटेंड विद ए, अब यहाँ पे मुझे जो पेरेंट है, अब पेरेंट जो है वो पेरेंट के साथ मुझे उसको एक्सेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पेरेंट के साथ जो है मैं उस फंक्शन को एक्सेस किया, जब मैं इसको इनहेरिट करूँगा विद क्लास ए, क्लास ए इज अ बेस क्लास एंड क्लास बी इज अ ड्राइव क्लास, देन वी कैन एक्सेस विद बाय यूजिंग पेरेंट। तो यहाँ पे मैं पेरेंट के साथ उसको एक्सेस किया, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया तो वही फंक्शन जो था वो कॉल हो चुका है। अब ये हमारे पास था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे एंड नेक्स्ट जो है वो हम न्यू जो थिंग्स हैं वो हम देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।